स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास एंड शिक्षा आश्रम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस वीडियो में मैं आपको रेट लॉ का डेरिवेशन और हाफ लाइफ पीरियड का कैलकुलेशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप के जो आपके लाइफ पीरियड हैं, जैसे 50%, 90%, 45%, 60%, 72%, 90%, 99.9% और इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पार्ट वन है वीडियो का, इसके बाद आपके पास पार्ट टू भी अपलोड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। देखिए, सपोज दैट कोई रिएक्शन होती है ए टू बी, अ रिएक्शन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, देन इट इज सिंपली द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये बात हम जानते हैं। तो अगर इस रिएक्शन का हमें रेट लिखना हो तो हम कैसा लिखेंगे, हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ चेंज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, टी फॉर टाइम, और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम सपोज करेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, ये हमारा इक्वेशन वन है। इस रिएक्शन को हम सपोज करेंगे कि ये हमारा इक्वेशन वन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे के लिए, तो नाउ वी कैन राइट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो प्रपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो यहां पर हम इस प्रपोर्शनलिटी को हटाकर ऐसा लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर वन। वन का पावर इसलिए आ गया क्योंकि हमारे पास जो ए है वो वन मोलर है, ठीक है। इसको हमने मान लिया अपना इक्वेशन टू। नाउ अब हम बात करेंगे इक्वेशन वन एंड टू की, तो हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि इक्वेशन वन भी हमारा रेट के इक्वल है और इक्वेशन टू भी हमारा रेट के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे कि डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। नाउ वी कैन राइट दैट डी ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू के डॉट डी टी। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा नेगेटिव साइन डी ए के पास था, ठीक है, वो यहां पर हमारे पास डी ए के पास नेगेटिव साइन था, ठीक है, वो नेगेटिव साइन हमने क्या किया के की तरफ सप्लाई किया और ये हो गया डी ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डॉट डी टी। और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते हैं यहां से। देखिए हमने इसको इंटीग्रेट करना शुरू किया, तो इंटीग्रेशन में क्या आ गया डी ए अपॉन ए, और इसको हमने इंटीग्रेट करा ए नॉट से ए तक, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम वेयर टी इज इक्वल्स टू जीरो टाइम टू टी इज इक्वल्स टू टी टाइम, टी इज इक्वल्स टू टी टाइम से टी टाइम तक हमने उसको कैलकुलेट किया। नाउ अगर हम डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन करेंगे ए नॉट से लेकर ए तक, तो ये हमको मिलेगा एल एन ए अंडर ब्रैकेट लोअर लिमिट ए नॉट
एंड अपर लिमिट ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, क्योंकि टी इज इक्वल्स टू जीरो से टी इज इक्वल्स टू टी का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपका के टी ही आएगा। फिर एल एन ए लोअर लिमिट ए नॉट एंड अपर लिमिट ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, यहां से हम लिखेंगे कि ये एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट के इक्वल है एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। और अब यहां से हम इस माइनस साइन को दूसरी तरफ भेजेंगे और क्या बनाएंगे कि हमारे पास जो के टी है विल बी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस ऑफ एल एन ए। हमने कुछ किया नहीं है, माइनस साइन को दूसरी तरफ भेज दिया, इसलिए जो पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो गया और जो पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो गया। नाउ हमें पता है कि एल एन एक्स माइनस एल एन वाई जो है वो एल एन एक्स अपॉन वाई होता है, तो उस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन ए कर लेंगे इसको, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ अब हम अगर ऐसा लिख दें कि जो ए नॉट है ये हमारा क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन है, और जो ए है ठीक है वो क्या है, ये हमारा कंसेंट्रेशन लेफ्ट है, कंसेंट्रेशन लेफ्ट मतलब कि ये हमारा बचा हुआ कंसेंट्रेशन है, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो धीरे 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 खत्म होने लगता है, तो जो जो कंसेंट्रेशन हमारे सब्सटेंस की बच गई है जो लेफ्ट बिहाइंड कंसेंट्रेशन है उसको हमने क्या बोला कि वो ए है। तो यहां से एल एन वाले फॉर्मूले से मतलब इक्वेशन नंबर थ्री से हमें क्या मिलता है कि के टी विल बी इक्वल्स टू 2.303 लॉग, क्योंकि हमें पता है एल एन को लॉग में चेंज करने के लिए हम एल एन इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग लेते हैं, दैट इज ए नॉट अपॉन ए। अब क्या हो गया कि इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी विल बी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। और देखिए ये जो फॉर्मूला आपके पास बन के आया है ठीक है, इसी को रिएक्शन टाइम का फॉर्मूला कहा जाता है ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये क्या है, टाइम टेकन इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज टाइम टेकन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सपोज दैट अगर हमारे पास यहां पर क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड, तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये हम आगे देखने वाले हैं, तो हम चलते हैं आगे। देखिए अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। देखिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम व्हेन रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड। क्या बोला मैंने कि टाइम व्हेन रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड। आप चाहें तो अपना एक नोट्स भी बना सकते हैं रिवीजन के लिए, इस वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख भी सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम टाइम पे काफी मदद करने वाला है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस इन दो चीजों से सॉल्व हो जाएंगे इजिली। तो ए नॉट को हमने क्या लिया था, इनिशियल कंसेंट्रेशन, एंड जो हमारा ए था दैट इज व्हाट, कंसेंट्रेशन लेफ्ट, कंसेंट्रेशन लेफ्ट। So, if we are dealing for the
हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड मीन 50% लाइफ। 50% लाइफ मीन्स अगर हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट है, ठीक है, अगर ए नॉट जो है ये इनिशियल है, देन ए विल बी व्हाट, ए विल बी इनिशियल अपॉन टू मीन्स ए नॉट अपॉन टू। तो ये हमारा ए का वैल्यू है और ये हमारा इनिशियल का वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने टी वाले फॉर्मूले पे, टी वाला हमारा फॉर्मूला क्या था, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, इस फॉर्मूले पे हम सारी वैल्यूज को रख देंगे। और वो वैल्यूज कौन सी हैं, वो दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक ए नॉट की वैल्यू है और एक ए की वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि टी हाफ, हाफ मीन्स, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि टी 50%, ये और नहीं है, ये और लिखा हुआ है, इसको अपॉन मत समझिएगा आप लोग। तो टी हाफ और टी 50% इज इक्वल्स टू व्हाट, 2.303 अपॉन के लॉग दैट इज ए नॉट अपॉन ए नॉट अपॉन टू। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 50%। सो हमारे पास क्या होगा, ये ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे कि टी 50% और टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग टू, ठीक है। एंड वी नो दैट लॉग टू इज इक्वल्स टू 0.3010। तो इसकी वैल्यू हम यहां पर डाल देते हैं। अब इसकी वैल्यू डालने के बाद हम यहां से आगे चलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई के। देन टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। जब आप इन 2.303 और 0.3010 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या देगा कि ये आपको दे देगा 0.693 अपॉन के, ठीक है, ओके। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हम क्या बोल सकते हैं कि टी हाफ, ठीक है, टी हाफ और, सॉरी, टी हाफ और टी 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू द कंसेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट टू द कंसेंट्रेशन। क्यों हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो टी हाफ का हमने फॉर्मूला निकाला है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है, कहीं भी कंसेंट्रेशन का कोई यूज नहीं है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इतने पे ही बात करेंगे, और जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, मतलब इसी का जो पार्ट टू मैं आपको देने वाला हूँ, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम टी 75% कैसे निकाल सकते हैं, टी 90% कैसे निकाल सकते हैं, टी 99.9% कैसे निकाल सकते हैं, टी 72% कैसे निकाल सकते हैं, 72% कैसे निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। या फिर आपसे कहा जाए कि टाइम टेकन व्हेन 1/3 ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट या 2/3 ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं आपको इसी चैप्टर का एक दूसरा पार्ट, सेकेंड वीडियो दूंगा, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको दूसरी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डेरिवेशंस है या डेरिवेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगा, जैसे कि कोलिजन थ्योरी, अरिनियस इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, या अगर हम रेट लॉ की बात करें तो रेट लॉ भी, और उससे रिलेटेड बाकी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। तो चैनल से हमेशा जुड़े रहें, और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। ओके।
थैंक यू वेरी मच।